यहाँ साथ रहना। हाँ है? यार एक बात बताऊँ जी, इस दफ की शाखों भी काटा हुआ सिर्फ देख रहे हैं। हाँ लेकिन पुराना कटा हुआ है, मतलब कभी काटा गया था। राज भाई ठीक हो? चलात भाई क्या हुआ है? नहीं क्यों, बस साथ 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 रहना। जी जी घंटी जो बजती है जहाँ पीछे खड़े रहते हैं। हम सब कुछ जानते बूझते आपसे सिर्फ मिलने आ रहे हैं बहुत दूर से, मदद की नियत से, दोस्ती की नियत से, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। सज्जद भाई, सज्जद भाई इसको भी काटा गया है। ताज़ा काटा है यार। जी भाई कोई भी नहीं आता यार, ऊपर जाके इतना पुराना तो नहीं काटा भाई? नहीं नहीं नहीं, तो ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा लग रहा है कि आज ही कटाई। इसके ऊपर चढ़ के काटा गया है। सही कह रही है, आज की कारसानी है। ये क्या बात है? यहाँ से बाला तो रही है। किसने काटा है? इतनी ऊपर जाके कैसे किसने काटा है? चढ़ के इसके ऊपर करने की जगह भी तो नहीं है। ये क्या था? झाड़ियों में कोई चीज चलने की आवाज है। ये क्या था? सुना सुना? हाँ ये सुन रहे? कौन कौन है? क्या है? मिट्टी के बिल्कुल टीला है। वो देखिए शेड, वो देखिए शेड, वो देखिए शेड, सब 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 खत्म, सब खत्म भजन। यही मैं आपको दिखा रहा था लेकिन आपने मुझे उस तरफ बुला लिया। चप्पल है सर। पहली वाली आवाज सुनी थी वो शायद से सुनी। कुछ अजीब स्वाद है, ये भी काफी पुराना लग रहा है। यहाँ बादाम का है। हाँ पत्ते सुराख सुराख हो गए हैं। ताला खुला है? हाँ गेट खुला है। हाँ गेट खुला है। हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है? अब नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कामरान भाई ने कुछ ढूंढ लिया है पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने और अपनी आवाज़ सुनी, मैंने वो हंसी सुनी, अब हंसी सुनी मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने और अपनी आवाज़ सुनी, मैंने वो हंसी सुनी, अब हंसी सुनी मैंने। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है यार, यंग लड़की की आवाज़ होती है ना, दो शीज़ा की आवाज़ कहते हैं। मैं नहीं सुन सकता। मैंने सुनी, मैंने सुनी, मैं सही कह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे आई,
सेकंड टाइम सज्जाद भाई को मीठी आवाज़ नहीं होती, बड़ी खूबसूरत आवाज़। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने और आपकी आवाज़ सुनी है ना, मैंने वो हंसी सुनी, अब हंसी सुनी मैंने, अभी मुझे आई। ये बच्चा है? हाँ ये बच्चे हैं। हाँ बहुत सारे बच्चों की है। अभी मुझे आई। ये बच्चा है? हाँ ये बच्चे हैं। हाँ बहुत सारे बच्चों की है। आप लोगों ने वो औरत की आवाज़ नहीं सुनी, लड़की की? नहीं 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 नहीं। बादाम सुल भाई, ये बादाम गिरा है ऊपर से। बादाम गिरा, ये रहा, ये देख रहे, बादाम गिरा है, ये देख रहे, ये गिरा है अभी ऊपर से। लाइट दे, जो ऊपर गया लाइट दे। कहाँ लगा हुआ है ये? कोने पे ही है। हाँ हिलने की आवाज आ रही है, लेकिन सब पत्ते सुराख सुराख हैं भाई। यार कीड़े ने खाया हुआ, कीड़ा लगा, कीड़ा लगा, कीड़ा लगा हुआ है, फल दे रहे। क्या रहा है सुलभ, जैसे पानी नहीं चलाते वो हैंडपम्प? हाँ उस जैसी आवाज़ आ रही थी। हाँ यार मुझे ये समझाओ, ये क्या चीज़, इसके आसपास आर पार सुराख है? आर पार ही? इधर आओ, चारों तरफ है, चारों तरफ जी सुलभ, आर पार है। एक तरफ सुलभ, इधर आओ, इधर आओ, एक दो तीन पार हैं। ये क्या फट गया दरख्त बीच में से? ऊपर भी फटा। यार एक बात बताऊं, इधर देखें, इसमें से अंदर से ये बाहर को निकला हुआ है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से छह जगहों से इसका मुंह खुला हुआ है और ये कुछ निकला है इसके अंदर से। आपके सामने इधर आए, इधर हर सुराख अंदर तक जा रहा है, अंदर पूरा खोल नजर आ रहा है इसका, देख ले। अरे एक कुछ चीज़ गई है, छिपक रही थी अंदर। भाई जान जी, ये अंदर से बाहर निकला ऐसे? हाँ वहाँ से यहाँ से यहाँ से, और इसमें सुराख है सारे, वहाँ जाले थे। इधर आए, इधर आए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। हाँ जी देखो, लाइट लाइट दें इसके अंदर, देखो है आर पार। हाँ यार ये कुछ अजीब ही चीज़ें हैं यार। ये हुदहुद ने तो नहीं बनाया, इतना बड़ा थोड़ी बनाता है, इतना बड़ा हुदहुद बनाएंगे? लेकिन सज्जाद ये राउंड है। हाँ। ये अजीब तरीके से और अंदर से बना है ये। हाथ अंदर डालो, मैं जरा से हाथ अंदर डालू, हमारे दोनों के हाथ मिल जाएंगे। इधर है कामरान भी, आप भी आओ जी, आप उधर से रिकॉर्ड करो। हाँ वो आ गया, ये देखो सामने से होल आ गया, वो आ गया, ठीक है, वो सुराख आला आ गया, वो सुराख नजर आ रहा है आपको, इसी तरह इस सुराख से आपको वो सुराख नजर आ जाएगा। यार कामरान भी नजर, वो देखो सुराख, वो कामरान प्रॉपर बना हुआ है ये, और ये मेन मेड नहीं है भाई, ये अंदर अंदर से फटा है, मतलब अंदर से ये ऐसे क्या फटा है अंदर से, क्योंकि चीज है यार, हाड़ के निकली है या इसके साथ पता नहीं कोई घोंसला है। घोंसला तो अंदर किसी चीज की मौजूदगी होती ना, परिंदे की, किसी कीड़े की, किसी जानवर की। और शायद परिंदे तो कुदरती ऐसे होल ढूंढ रहे होते हैं कि वो अपने घोंसले बना सके। यार मुझे कुछ नजर तो आया था, आप कहते हो ना पुरस्कार जगहों की कुछ निशानियाँ होती आपके सामने, आपके सामने। हमारे मोहल्लों में कितने दरख्त लगे हुए हैं, कभी हमने ऐसे फटे हुए नहीं देखे? नहीं देखे मैंने भी। और एक बात बताऊँ, इस एक फटे हुए में से छह सुराख निकल रहे हैं अलग। चलो अगर घोंसला भी है तो कोई एक सुराख हो ना। हाँ हमारे पीछे से गया, पीछे से गया, पीछे से गया। किसके ऊपर चल रही है इतनी ऊंची? द
दीवार है यार, दीवार पे कैसे चढ़ गई? यहाँ कौन कहाँ जा रहा? उधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। गायब। दीवार पे कैसे चढ़ सकती है यार, ये समझ नहीं आ रहा ना मुझे। ये इसके ऊपर चल रही थी, यहाँ से शुरू हुई वहां पर गई। गायब। ये जाली ही जाली आपके सर के ऊपर, ये देखे। मैं कह तो रहा हूँ जाल। चलो ये देखो, इधर आओ, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं कैमरा में जो दिखा रहे हो मुझे? जी जी, अभी ये जी सारे जाले हैं, इस रास्ते पे भी, उस रास्ते पे भी। ये जाले मेरे चिपक गए हैं, आपके कैमरे से भी चिपक गए। पीछे नहीं जाना। गायब। वो इधर ही इसी तरफ गया है वो वजूद ना, और है औरत का कंफर्म। औरत जा रही है? अरे कोई औरत जा रही है? कोई लड़की किसके ऊपर चल रही है इतनी ऊंची? औरत जा रही है? अरे कोई औरत जा रही है? कोई लड़की किसके ऊपर चल रही है इतनी ऊंची? अजय भाई अभी उस तरफ चलने की आवाज आ रही है। उस तरफ। अच्छा बात सुन लो, कोई जाएगा नहीं कहीं पे, ठीक है? नहीं। दादा जी, मैंने यहाँ कुछ देखा है। सुन भाई, ये फूल पत्तियां बनाई हुई है ना? हाँ। और उसमें पत्तों में चेहरे भी बनाए हुए हैं। एक पौधे में से बहुत सारी पत्तियां निकल रही, हर पत्ते में चेहरा है, वाजे चेहरा है शिराज भाई, वाजे चेहरा, लड़की का, लेडीज का चेहरा, कुछ जैसे मुस्कुरा नहीं रहे होते, हंसने वाले। देख के शिराज भाई, चप्पलें हैं यहाँ पर। यहाँ भी चप्पल है, मर्द की चप्पल है यार, मर्दों की ज्यादा है, हमें एक खातून की मिली अभी तक। वो फंसे ही, मर देना यार। यार कैसे बंद किया हुआ इसको, चला हुआ है क्या? काला काला वो ऊपर से, ये क्या निशान बनाया हुआ है? फूल पत्तियां तो इधर ही हैं। इसको ये बांधा हुआ कैसे दादा, इससे? हाँ इससे बांधा हुआ। बाकी कोई नहीं आया यहाँ? नहीं, जाले बता रहे हैं कोई आया नहीं। मट्टी की तह बता रही है, चेक करें शराब इधर आए। ये देखें, बिस्मिल्लाह। बदबू है, यार इधर आना। ये लेसन कमान भी ना, लेसन शिराज भी लेसन के सिलके ना। लेकिन बेसाथ है तो वो जाले दिखाएगा सामने, सर के ऊपर जाले देखे। हाँ यार, ये देखिएगा सर पर, ये देखिएगा सीधे आपको उसका। हाँ ये भी है सर, कोई नीचे तक है, ये देखें सारे। यार ये क्या चीज है, ये क्या है? दीवार पे क्या चिपका? डेमो का घर, डेमो जो होता है ना। अच्छा, और यार एक बात बताऊं, कितना काबिल इस्तेमाल है ये सामान। सुन एक बात नोट कर रहे हैं जी, वहाँ लाइट दीजिएगा सामने। ये तीन पेशाब क्या क्यों है यहाँ पर? तीन है, तीन का क्या मतलब है? मैं वो देख रहा हूँ यहाँ वहाँ नजर तो रहा हूँ, शायद चौथी भी कहीं मिल जाए, लेकिन अभी तक नजर नहीं आई चौथी में।
तीन बैसाखियाँ अच्छा गोश्त नहीं होता यार। किधर गाड़ी के पास कोई खड़ा हुआ था। अच्छा बताओ अब आगे पैदल जाना मुनासिब नहीं है, गाड़ी में ही चलते हैं। ऐसी मंजर देखो, खौफनाक देखो, दरख्त देखो कितना खौफनाक है। हम तो यहाँ पर मौजूद हैं, आप नाजरीन को दिखाएं कि हम हैं कहाँ पे, किस माहौल में हैं, किस वीराने में, किस अंधेरे में हैं और किस मौसम में हैं। यहाँ से ज़रा घुमा के दिखा दें कि हम हैं कहाँ पर और खामोशी कितनी है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मुस्तकिल हमें कहीं से देख रहा है ऊपर से। सिक्स सेंस होती है ना आपको। मैं जब से यहाँ बात की है ना उनसे, मैं ऊपर दरख्तों को ही देख रहा हूँ जब से मैंने उस कुत्ते को देखा है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अभी कोई चीज़ हमारे फासले पर मौजूद है जो हमें देखी जा रही है। मैं हैरान हूँ कि आप तीनों ने वो आवाज़ क्यों नहीं सुनी यार। मैंने वो हंसी सुनी, अब हंसी सुनी मैंने, बहुत ही जो कहते ना कि मशहूर गुन आवाज़। बहुत नहीं, बच्चे की आवाज़ आई थी जो आपने, बाद में तो आई है बच्चे की, फिर कुछ होने वाला है। अल्लाह खैर, फिर कुछ होने वाला है। जब आती है तो उसके बाद भी खौफनाकियाँ होती है। अल्लाह जानवर, गाड़ी देख ली दफा देख लो गाड़ी के पास सामान ने कुछ देखा। जैसे टाइम बढ़ रहा है उतनी चीजें पास आ रही हैं। धुंध भी बढ़ रही है पता, विजिबिलिटी कम हो रही है यार। वो जो सामने शेड्स हैं वो वाले हैं, पता नहीं मुझे क्यों क्लिक कर रहे हैं वो बार बार। वो जो हमने चीज देखी ऊपर से जाती हुई वो भी उस तरफ जा रही थी ना। जल्दी, वो भी लड़की जा रही, वो कोई औरत जा रही है। अरे कोई औरत जा रही है, कोई लड़की किसके ऊपर चल रही है इतनी ऊंची? नहीं, वो उस दीवार से उस तरफ चली गई, जंगल की तरफ। जंगल में? हाँ, इस टाइम पर गायब। जल्दी, वो भी लड़की जा रही है। आगे जो है वो जो ट्रैक्टर वाली लोकेशन है जहाँ पर हमें बुलाया गया, वहाँ गाड़ी में चलना मुनासिब है मेरे ख्याल से। दिल की बात बोली आप, आ जाओ, दिल की बात बोली। एक बार सर को जरा दिल्ली से नजर डालिए, 12:15 आए। बिस्मिल्लाह, ये ट्रैक्टर खड़ा, ये क्या सामने सफेद रंग का, ये वही कुत्ता? सफेद है। यही आग जल रही थी ना? हाँ यही है। ये क्या है, इधर नहीं देख रहा। मुझे तो ऐसा लगा कि आप किसी और दुनिया में आप निकल के आ गए कट के बाद से ना। खामोशी कितनी है यार, ये जंगल है, इंसान नाम की चीज ही नहीं है खामोशी की। शेर भाई लेकिन कोई परिंदे चरिंद परिंद कुछ तो हो, झूले गिरे में। हाँ दरख्त के यार,
आसपास देखते हैं ना। मुझे तो वो जगह ज़्यादा अभी नहीं, क्या कहते हैं, भागना भी मुश्किल है। हम किस में गए थे, इमली के बाग में गए थे, एक कट के बाद अचानक ही दुनिया चेंज हो गई थी। ठीक है, रखा हुआ सामने, खौफ देखे ना चलो। ये सब सामान छोड़ छाड़ के बाद ये मुझे लग रहा है हल का ट्रैक्टर का कुछ पीछे का हिस्सा है, तो कब से रखा हुआ है यहाँ पीछे भी। अरे वो कहते हैं ना सर्द रातें इंतहा खामोश होती हैं, रात में देखो कितना वीरान है यार। आवाज़ कैसी आ रही है, सुन रहे? हाँ मैंने सुना। रात में देखो कितना वीरान है यार। आवाज़ कैसी आ रही है, सुन रहे? हाँ मैंने सुना। जस्ट देख रही कैसी हो रही है, कितनी सड़कने की आवाज़ आई है। सब छोड़ छाड़ के बाद में आ गए पायर को लेकर, इसके बाद नीचे कांटे काटे आए। वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी झाड़ी में गायब गायब गायब, तू भी चल रही है क्या? गॉड गायब, वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी झाड़ी में गायब गायब गायब, तू भी चल रही है। एक कुत्ता वहीं देख रहा था सफेद रंग का जी। हाँ ये क्या सामने सफेद रंग का, ये वही कुत्ता सफेद है, सफेद सफेद यही आग जल रही थी ना। हाँ यही है, क्या है इधर नहीं देख रहा। वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी झाड़ी में गायब गायब गायब, तू भी चल रही है क्या? गॉड गायब, वो ऊपर काला नीचे लाल है, वो ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी झाड़ी में गायब गायब गायब, तू भी चल रही है। ये आवाज सुन रहे हो? हां, ये पहले कहां थी? क्या चीज़ देखी हो, क्या आवाज़ सुनी है? कुत्ता वहीं देख रहा था उसी से चीज वहाँ डाल दी। गॉड भाईजान, बस पढ़ लें सर, लाहौल बता कुत सुन पे ना डर, ऐसा ना कहा करो यार, ऐसा ना कहा करो दादा। आपको कह रहा हूँ जो वाकयात जो किस्से हैं ना, और अब तक जो सुने अधूरी कहानियां कोई भी नहीं था सब भाई। वो कुत्ता हमें नहीं देख रहा था, हमारी गाड़ी की लाइटों को नहीं देख रहा था ना, वो भोंका है हम पे, वो उधर मुंह करके खड़ा हुआ था बेचारा सफेद रंग का, और अभी सब भोंक रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है अंदर से, क्या जा रहा है। यार अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह भारी जगह है साहब, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जगह से पता चला है, एंट्री से भाईजान, ये वो जगह थी आधा हो गया है, खुश आधा खुश्क हो गया है। ये तो देखिए सब बराबर में जाली, पाइप वाइप सब सब बंद हो चुका है। वो ऊपर काली थी नीचे लाल थी, लेकिन उसके इतना हिस्सा जो था ना बिल्कुल रेड था, प्योर रेड, आग की तरह रेड था। हम जी वहाँ खड़े हुए थे सामने दूर, हमने देखा यहाँ पहले हमें ना आग नजर आई, ठीक है, हम उस आग के पीछे आए, वहाँ सफेद रंग का कुत्ता खड़ा हुआ था इस तरफ मुंह करके, हमारी गाड़ी वहाँ है, हमारी हेडलाइट्स वहाँ ऑन है, वो हमें नहीं देख रहा। हाँ। वो उधर था ऐसे खड़ा हुआ देख रहा, और भौंक नहीं रहा ना हम पर ना किसी और चीज पर, हम क्या देखते हैं वो कुत्ता वहाँ गया
बहुत सारे जानवर भौंकना शुरू हो गए और यहाँ से मैंने यार यहाँ तक काला देखा, उसके बाद पूरा लाल देखा। अब उसके बाल थे, बाल लग रहे थे मुझे, काले बाल थे, बाल लग रहे थे। हाँ इधर ना दरख्त में यार, ये भी इमली का पेड़ है। और मैंने पहले ही भी गुस्से में कहा था, ऐसा लग रहा है कि इमली के बागात में दोबारा जा रहे हैं यार। ये सारा काम का सामान नहीं है ये यार, ये लोहा, ये गाड़ियों के पीछे नहीं लगता। हाँ ये डाल रहे हैं, चलते इसको शूट करें जरा। अरे बस सामान पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये दरख्त लेना यार, ये कह रहा हूँ। क्या क्या दिखाओगे यार? सब आपके सामने है। ये भौंक ही रहा, देख रहे हैं पूरा वाइट है, वो ऊपर काला नीचे लाल है। ऊपर काला नीचे लाल है, ऊपर काला लाल, वो झाड़ी झाड़ी में गायब गायब गायब। छुपके देख रहा है सर भाई, काला बिल्ला। ओ माय, इसकी मूछे सफेद है, मूछे सफेद है यार। ये देख कैसे रहा, और ये जा क्यों नहीं रहा यहाँ से, यहाँ से क्यों नहीं जा रहा? माहौल वाला कितना करीब आ गया हमारे, ये हो क्या रहा है इस जगह पर? चुपके देख रहा है यार ये जान। कैसा बिल्ला है ये, क्यों देख रहा है इस तरह, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आधा फेस क्यों दिखा रहा है जी? और सर ये इसकी मूछे सफेद है और सर बाकी पूरा काला है, ये नोट कर रहे हैं? ये क्यों ऐसा कर रहा है साहब, मेरे को तो ये हैरत हो रही है यार। यार ये और हमसे डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, जा नहीं रहा यहाँ से। ये देखें, ये पूरा फेज ही नहीं ला रहा आगे। कौन हो? छुप गया जिन हो। चलो जिन हो, चलो कहाँ गया? हमें क्यों नहीं देख रहा, हम पर क्यों नहीं भौंक रहा? उधर हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनको नजर आ रहा है शायद, इन जानवरों को। अब उस तरफ देख रहा है, यही कुत्ता था जिसने पहले यहाँ देखा था, जिसके पीछे इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है हमसे मदद मांग रहा है। आप देखो उसकी शक्ल से, देखो बिल्कुल उसकी शक्ल देखो, उसकी ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई मदद मांग रही है। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, हम पे नहीं भौंका ये, और ये हम पर नहीं भौंक रहा, ये उस इसने वहाँ से हमें ये जगह दिखाई। हाँ अब ये आ रहा है, अब फिर वहाँ देख रहा है, ये ये देखेंगे, इसी तरफ देख रहा है इधर इधर इधर, वो मशीनों के पीछे कुत्ता यहीं देख रहा था। हाँ देख इधर ही रहा था, कुत्ता यहीं देख रहा था। नो डाउट, और उन्होंने भी यही बताया कि कुत्ता यहीं पे देखता है। अच्छा बात बताऊँ, एक बात नोट की आपने, एक बात नोट की आपने, यहाँ से जब कुत्ता देख रहा था तो ऊपर नहीं देख रहा था, सामने देख रहा था, सामने देख रहा था, इसी तरफ देख रहा है यार, इधर इधर इधर, वो मशीनों के पीछे। वहाँ जब कुत्ता देख रहा था वो ऊपर देख रहा था, व्हाइट सी चीज है, व्हाइट सी चीज ऊपर है जिसको ये वहाँ मुंह किया हुआ, इसने वहाँ देख रहा है, ऐसा ही है ना? ऊपर भी एक है, देख रहा है सगत भाई, एक नहीं क्या, व्हाइट कहाँ है दूसरा? वो तो ऊपर है, छोटा चीज पड़ेगा छत के ऊपर, वो कुत्ता नहीं है। हाँ वो एक और चीज है, कुत्ता देख रहे हो उधर देख रहा है, कुत्ता नीचे, वो जो नीचे व्हाइट है ना उसको देख रहा है वो। यहाँ जब कुत्ता देख रहा था तो सामने देख रहा, ये क्या है, इधर नहीं देख रहा, और जब यहाँ बैठ कर कुत्ता देख रहा था तब भी सामने देख रहा था, ऊपर नहीं देख रहा था, इसी तरफ देख रहा है, इधर इधर इधर, वो मशीनों के पीछे। वाकई जानवर देख लेते हैं भाई, वाजे तौर पे देख रहे हो, हमारे से इतने कम फिट के फासले पे सब कुछ हो रहा है। सुना? हाँ पत्तों पे कुछ चल रहा है सुर पे, हाँ दरख्त के ऊपर कुछ चल रहा है। देखे 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 देखे, यार खुद हकीक बना, साथ 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 साथ, यार
गाड़ी तो वही है सज्जाद। अभी चलो चलो गाड़ी से बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए। गाड़ी तो वहीं पे फंसी गई यार। माहौल वाला कुवत यार, हम फंसाया है इसने हमें। हाँ, हमें गाड़ी पहले घुमा के लगा रहा था ना यहाँ पर। हाँ। इसने फंसाया है हमें सोहेल भाई। इसका काम जगह है, उसकी मर्जी चलेगी यहाँ पे। यार वो कुत्ते की मदद से मदद मिल रही है हमें वाकई। वो उसकी वजह से दिखा दिया कुत्ते ने। हम जगह देख लेते हैं। कुत्ते ने दिखाया ना? कुत्ते ने दिखाया। मुझे एक बात बताओ, जाले लगे हुए मेरे मुंह हर जगह, जाले। बाकी इनकी जबान बंद कर दी जाती है। वो बड़ा कुत्ता है सफेद रंग का, वो भौंक नहीं रहा एक दफा भी। उसके बाद वो बस ऐसे ही देख रहा है ऊपर। लाल था ना यार, रिपोर्ट है यार, वही है ना, मैंने खुद देखा, ये वही चीज है ना यार। उसको मैंने यही कंडीशन में उस तरफ देखा जहाँ कुत्ता देख रहा था। फिर अचानक पीछे नजर पड़ी, मैं कुत्ते को देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा, मैंने ऊपर देखा रही लाहौल वाला। उसके बाल यहाँ से यहाँ तक, उसके बाल उसके यहाँ से यहाँ तक। बिल्लाहिल्लाजीम यार भाई, गलती हो गई सयाद भाई, बहुत गलती हो गई, उनके साथ चले जाना था। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, गलती पता क्या हुई है, गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था। हमने पहले डिसाइड किया था गाड़ी से नहीं। अभी वो गाड़ी के साथ जो दरख्त है ना उस पे बैठी है यार। वो देखे, वो दो आंखें देखे किधर, वो गाड़ी के बिल्कुल इस तरफ। ना कर सुन भाई यार, ये भेड़िया है, लोमड़ी है, क्या चीज है यार। ना कर यार, वो मुझे वो क्या चमक रहा है, सामने। सुबह लाइट दे वहां पे, सुबह वहां लाइट दे, वहां लाइट दे। कौन था ये, कौन है इधर, कौन है, लाइट दे यहाँ पे। सज्जाद भाई ये बढ़ते जा रहे हैं, ये चारों तरफ इधर आ रही है। ये यार उसकी मतलब सल्तनत है उसकी यार, ये भाई मिल्कियत है ये उसकी, जहाँ जा रही है वहाँ ऊपर नीचे सब जगह घूम रही है। अब तो कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा यार, काफी नहीं है इतना गाड़ी। अरे यार फंसे हैं हम। मैंने जब ये डिसाइड किया था कि गाड़ी घुमा कर लगाऊंगा मैं यहाँ पर, हम कैसे चले गए वहाँ तक। वो कंट्रोल करती है यार, पहले हमें वहाँ बुलवाया, नीचे उतरवाया, अब हमारी सवारी के ऊपर बैठी हुई है वो। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता नजर आ रहा है? नहीं, नहीं नहीं, अब नहीं आ रहा। वो इतना सा भी चांस मत देना, अब यकीन करें बिल्कुल चांस मत दीजिएगा इसको। और वो आप पे काबू है क्योंकि आपको आवाज आ रही है उसकी, आपकी गाड़ी के पास है। वो कह रहे थे वो एक के पीछे पड़ती है। चिराग भाई, सोहेल भाई इधर ही भाग रहे हैं। सज्जाद भाई, सोहेल भाई, सज्जाद भाई, सज्जाद भाई, सज्जाद भाई, सज्जाद भाई, वो कह रहे थे गिरेंगे यार, आगे जगह ले आए हो। नहीं 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 नहीं, ये आवाज गूंज रही है, इस तरफ से आ रही है। सोहेल भाई एक मिनट, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम। क्या बिल्कुल बौखला गए थे यार, बस पागलों की तरह भागे जा रहे यार। गाड़ी छोड़ लेके तो आप भी दोनों ही उधर जा रहे हो उस तरफ, ये भी आगे उधर जा रहा है यार, गाड़ी उधर ही है। तो गाड़ी के पास ही तो उसको बैठे हुए देखा ना, किसकी हिम्मत होगी वहां जाने की यार। ठीक है लेकिन साथ तो रहो यहाँ तक तो गए थे आप, इनको लेके सामने यहाँ तक आ गया था। मैंने आप दोनों को एक साथ यहाँ पर देखा है, फिर आपको देखा है आगे आते हुए। मैं आपको जवाब देने आया हूँ, मैंने कहा ये रुक गया, इसको रोका है बड़ी मुश्किल से मैंने। दरख्तों के आसपास देखो, नहीं है। थोड़ा वो आगे पानी की टंकी पे देखो, पानी की टंकी पे उस तरफ देखो, है कोई? नहीं नहीं।
लगा कि वो चीज जो देखी ना, मैंने कहा मैं रोड पे जाकर किसी से लिफ्ट लेके निकल जाऊंगा या तुम लोग यार रोड कैसे पहुंचते आपको पता है आप कितने अंदर हैं? पता नहीं सजाद, मुझे आंखों के सामने ऐसा लगा कि रोड बिल्कुल बस जैसे कि यही है सामने, हम तो बहुत दूर है शराब भाई, बहुत अंदर है। मुझे लगा कि दिमाग के अंदर ये चीजें आई मेरे ना, मतलब किसी ने मेरे दिमाग में ये चीजें डाली कि आसान है इनसे हट जाओ। मुझे ये चीज आसान लगी, मतलब हालांकि आपके साथ रहना ज्यादा आसान था। मैं जा रहा हूं, ओए इधर ओए कैमरा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं भाई। चंद सेकंड में इतनी बातें सूझ गई आपको? पता नहीं, मुझे लगा कि ये आसान है ये। और आप यहां से वहां चले गए, सज्जाद मेरे को आवाज दे रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि यहां कैसे चले गए। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं। मुझे देखा आप गायब, कि हम आपको देखने के लिए बैरियर तक नहीं गए। एक गलती है मेरी, मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था, वो मेरी मिस हुई है इधर ना। मैं जो होती ना बहुत देर से नहीं, जब से वो अलग हुए ना शॉर्ट के पास से ना, उनकी बातों में खो गया था। तो जब दिल में जैसे हम बातों के दौरान बोलते हैं, फिर दिल में एक चीज़ जारी रखते हैं ना, वो मेरी यहाँ मिस हुई है सच्ची बात। ना कहीं कुत्ते को देखना सफ़ेद, ना कोई दरख्त के ऊपर देखे, हाँ। ना कहीं देखे, बस नीचे करके चलते रहो, नीचे करके। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम पैदल बैरियर तक नहीं जा नहीं सकते। डेढ़ दो किलोमीटर रास्ता है, सर्दी बढ़ चुकी है, एक बज रहा है रात का, सवा एक हो रहा है, ठीक सवा एक हो रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन यही है कि गाड़ी में जा सकते हैं, बस नीचे देख के चलो, गाड़ी में बैठो और निकलो। दो किलोमीटर का रास्ता, किसी ने मेरे दिमाग में बात डाली, दस कदम पर है। होता है दादा, दिमाग में ये बात आ जाती है कि बगैर चप्पलों के हो जाएगा। अल्लाह 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 दादा, मेरे खुदा, सुनिए आवाज जो अभी लास्ट कुत्ते ने बोला है कुछ। सुहेल भाई जी, गौर किया था उस आवाज पे आपने? महसूस किया आपने? ये बात कर रहा था अब, ये बोल रहा था अब, लिटरली मुझे ऐसा लगा जैसे ये मुझसे बात कर रहा हो। ये जो एक आवाज नहीं आई थी इसके भौंकने की, और अब ये ऐसे रो रहा था या बोल रहा था जैसे बात कर रहा हो आपसे, कुछ कह रहा हो आपको। महसूस किया आपने? नोट किया था? मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो ये बोलना चाह रहा है कि ठीक है आज निकले आप। मुझे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे खैर दुआएं नहीं दे रहा होता कोई, खैरियत से पहुंच जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, या दोबारा ये कोई हमें झांसा डालने की कोशिश थी, या ये आवाज कुत्ते की नहीं थी। क्यों महसूस किया आपने? कि कुत्ते ने अब तक एक बार नहीं बोला था, और आते हुए हमें कैसे आवाज आ रही थी? ये नॉर्मल, मतलब जैसे कुछ बोल रहा हो यार, मतलब जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो, लिटरली करके ना वो कुछ आगे जैसे रोना होता है ना उसका, कुछ वो महसूस हो रहा था इस ऑडियो में। नोट किया था? मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये कोई कुत्ते की आवाज में कोई और हमें रोकना चाह रहा था वहां पर, क्योंकि उसने तो एक बार नहीं भौंका, या उसकी आवाज खुल गई थी। क्योंकि जब लास्ट टाइम भी हमने कुत्ते को देखा ना अभी आते हुए, ये अब उस तरफ देख रहा था, उस वक्त भी ये नहीं बोला। नोट किया आपने? वो तो कामयाब हो गई ना, उसने तो बुला लिया ना शिराज को अपनी तरफ। सुहेल भाई आपके साथ बैठे हैं, माशाल्लाह ठीक है, ठीक है, चुप है लेकिन सही है, बिल्कुल खैर खैरियत से है, गर्म है। इन्होंने महसूस की, इनके कान में कुछ फूंक सी आई, महसूस की इन्होंने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट जो हम सब ने आते हुए सफ़ेद कुत्ते को रिकॉर्ड किया, वो दादा सीधे हाथ पे देख रहा था, हाँ। उस तरफ जहाँ हम एक बार भी ना देखा ना गए, चौथी डायरेक्शन में देख रहा था, और वो भौंक नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था। जब हम गाड़ी के पास पहुंच गए ना, तब आवाजें आना शुरू हुई, जैसे वो रो रहा हो या कुछ कहना चाह रहा हो या कुछ बोल रहा हो। अब क्या ये वही कुत्ता था, या
कुत्ते की शक्ल में या कुत्ते की आवाज में कोई और हमें रोकना चाह रहा था, अपने पास बुलाना चाह रहा था। क्योंकि अगर यही कुत्ता रो रहा था बोल रहा था, ये पहले क्यों नहीं रोया या बोला? हम जब गाड़ी के पास पहुंच गए हैं तभी क्यों? हाँ। या तो एक इशारा था और कुछ कुत्ते की तरफ से था कि चलो खैर से जाओ, तुम बचा लिए गए और वाकई ये मदद थी कुत्ता हमारे लिए। इसने हमें ना सिर्फ उसको दिखाया एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन लोगों के सामने हमें आकर बताया, उसके अलावा हमें दिखाया नीचे देखकर, सामने देखकर, ऊपर देखकर, लेकिन जब जब उसने हमें दिखाया ना कुछ कुछ आवाज नहीं आई उसकी, और जब हम उसको नहीं देख रहे थे तब उसकी आवाज आई। महसूस किया आपने? यार क्या हुआ है यहाँ पर? मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, जानने की, यार पूछने की, लेकिन जैसे मुझे तो अच्छे महसूस नहीं हुए वो। मुझे भी नहीं महसूस। आप ठीक हो? ठीक है। चेक करना यार, चेक करना सुर में, चेक करना। गरम तो हो रहा है, तबीयत डाउन हो रही है, चीजें बस ऐसा लग रहा है बस सो जाऊं, नींद की थकावट नहीं, मैं जिस ताकत से भागा था तो मुझे तो नहीं लगता मेरे में थकावट है। मैं जा रहा हूं सजाद, ओए इधर नहीं, ओए कैमरा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं भाई। बस इनकी कैमरे की लाइट जो आंखों में गई है ना, हाँ, उसके बाद बस ऐसा लगा कि दिमाग अजीब सा सिया ब्लैक है, पता नहीं क्या है। माशाल्लाह सब खैर से, ज्यादा सब साफ है। बात क्या हुआ है? और अभी आप जो कुत्ते की बात कर रहे हो जो मैंने सुनी, तो मैंने तो देखा ही नहीं, मैं बस अच्छा किया दिमाग ही, मैंने ना उस तरफ देखा ना मैंने वो आवाज समझने की भी कोशिश नहीं की। सही किया, ठीक किया। मुझे लगा कि सब ना ये जाल फैलाया जा रहा है ना, ये फंसाने के लिए ना, क्योंकि बहुत सी बातें बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे लगा कि दिमाग के अंदर डाली गई कि दरवाजा करीब है, इनसे हट जाओ, अलग सामने बच जाओ। एक बात मानता हूँ, एक बात मैं मानता हूँ, हमारी गाड़ी का वहाँ पार्क होना जो है ना, वो मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है ना सेटअप था ये। सुहेल भाई मुझे अच्छी तरह याद भी था, मैंने शायद कहा भी था कि मैं गाड़ी घुमा के एग्जिट की तरफ मुंह रखूंगा इसका, ये शुरू में शायद जाते कहा था ना, फिर हमें हम जहां हमें उस कुत्ते ने कोई चीज दिखाई, जहां हमने देखी सबसे पहली बार उसको लाल और कोई काली चीज देखी, वहां हमने गाड़ी खड़ी कर दी और वो ठीक हमारी गाड़ी के ऊपर जो दरख्त था उसमें नजर आई हमें। रात से पहले नहीं हुआ ऐसा कुछ, हमारी जिंदगी के अनोखे वाकयात में आज एक इजाफा ही हुआ है भाई जान। बग्गा याद है किसी को? बग्गा कि उसको कैसे भूल सकते हैं भाई? बग्गा कुत्ता याद है? जी जी कमरान भाई याद है, वो ऊपर देख के भौंकता था जी। लेकिन वो भौंकता था, वो उस पर अटैक करता था, वो उस पर हमला करता था उस मखलूक पर।
इस सफेद कुत्ते की तो कोई आवाज ही नहीं आई, इसने एक बार हमारी तरफ नहीं देखा, ये उस तरफ ही देख रहा था जब जब हमें मिलाई, ये हमारी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। और आप नोट करें, जब जब हमें कोई चीज अगर यहां से सुनाई दी है ना, और किस्मत से अगर हमारा कैमरा घूम गया ना पीछे, तो वो हमारे पीछे रिकॉर्ड हुई है। हमेशा ऐसा हुआ है, हमें आवाज जहां से आती है वहां कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, जब हम पीछे घूम जाए ना ऐसी, तब वो चीज वहां पे हमारे पीछे होती है। और यही मुझे लग रहा था कि हम वहां देख रहे हैं और कुत्ता उसको उधर देख रहा है, उस तरफ उसको वो नजर आ रही थी, हमें नजर नहीं आ रही थी। क्या क्या कोई कुत्ता ऐसा करता है कि एक अनजान पहली बार आए हुए उनके इलाके में उनकी गाड़ी पर ना भौंके, उनको देखे ही ना। तो ये तो समझ लें हमारी तरफ से भाई उससे मुकाबला कर रहा था, हमें बचा रहा था उससे। यही तो आपको कह रहा था कि यार इसकी शक्ल में शायद कोई और हो। देखें, आपका जो पालतू होगा मिसाल के तौर पर, आपको जो बचाने वाला होगा, उसका सामना कहीं और होगा, पीठ आपके पीछे होगी। जो आपसे मुकाबला करने वाला होगा ना, उसका सामना आपकी तरफ होगा। बिल्कुल, ये मुकाबला किसी और से कर रहा था और उन लोगों के सामने ही इसने हमें दिखा दिया था कि यार आपने वो याद है, वो मतलब हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने हमें ये बताया और ये आके ऊपर देख रहा था दरख्त में। हाँ, कोई जवाब नहीं। फिर हम जब अंदर जा रहे हैं उस ट्रैक्टर के पास, ये सामने देख रहा था, हमें नहीं देख रहा था। फिर ये हमारे पास बैठ के वहां देख रहा था, फिर ये हमारी गाड़ी के पास ऊपर देख रहा था, और अभी आते हुए ये सीधे हाथ पे देख रहा था। तब जहां जहां हम हैं, इसकी पीठ हमेशा हमारी तरफ रही है, मुंह कहीं और रहा है, और ये बोला नहीं है यार, इसने भौंका नहीं है। इसकी आंखों में भी चमक नहीं थी, ये चमक होती है ना जानवर की ना। हाँ, जहां उसकी जैसे नाइट विजन होता है, रिफ्लेक्ट शाइन शाइन, क्योंकि ये तो यही बात तो उन्होंने भी कही थी यार, यही बात तो उन्होंने भी कही थी। मैं कहता हूँ तुम लोगों को मेरी आवाज सही लग रही है, मुझे अजीब लग रही है, थकावट है, अभी वजन सा थकावट महसूस हो गई शायद, भी कुछ नहीं अभी थी। अभी आज आप जिंदगी में इतना नहीं भागे होंगे जितना आज भागे हैं। यही वजह समझ में, चाय वाय पियेंगे इंशाल्लाह, सेट हो जाएंगे, नींद वींद करेंगे, फ्रेश उठेंगे सुबह, बस अब नींद पूरी करके उठना, ठीक है ना। गर्म दूध पी के ना, सोचोगे वो हल्दी वगैरह, गर्म दूध पी के बस सो जाना और अल्लाह ख्याल करेगा, नींद पूरी करके उठना इंशाल्लाह, कोई जल्दबाजी नहीं करना, काम होते रहेंगे, सही है इंशाल्लाह। हाँ, अब यार क्या कहेंगे सुहेल भाई इसको, इस कदर यार कारसास पे क्या हुआ था हमारे साथ। कारसास पे तो सुहेल भाई, हम आप तो उस जगह पे नीचे उतर गए थे ना यार, वो तो तेज में आ गई थी वो रात में, जब हम वहां से निकले तो उसने अपना वजूद जाहिर किया था। ये तो मुसलसल जाते ही मतलब आप, मैं तो पागल हो गया था कि मैंने कहा किस जगह आ गए, दिल गवारा नहीं कर रहा, कामरान का दिल नहीं हो रहा, शराज का दिल नहीं हो रहा काम करने का, सब एक ही बात कर रहे हैं, चले यहाँ से, चले यहाँ से, किसी लोकेशन पे ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये जगह जगह आग क्यों जली हुई थी वहां पर यार, वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी ना कि हाँ यहाँ कोई वजूद है, और आग कहाँ थी यार, वो बस एक रोशनी का गोला था। वो मैंने दो से तीन जगह देखा, आप लोगों को भी दिखाया मैंने, आखिरी टाइम में भी नजर आया वो हमें, आखिरी टाइम पर भी नजर आया बिल्कुल। टटहरी ने आके हमारे सर के ऊपर बोला यार, और जब जब होता है ना टटहरी अलार्म देती है ना, है ना सुहेल, है ना शिराज। मैंने पिछली दफा नोट किया था और इस दफा मैंने जब नोट किया तो मुझे लगा हमला होने वाला है, और वही हुआ कि कुछ ना कुछ जाहिर हुआ, कुछ कहीं से आवाज आई। यार एक बात बताऊं आपको, एक जगह पर सिर्फ कुत्ता नहीं देखा हमने, उसके साथ बिल्लियां भी थी, ठीक है, वो भी ऊपर देख रही थी, ना कुत्ते की आवाज़ आ रही थी ना बिल्ली की आवाज़ आ रही थी, कुत्ता और बिल्ली दोनों ऐसे साथ बैठे हुए थे, हालांकि ये तो एक फितरत दुश्मन है ना एक दूसरे के। सुहेल भाई नोट किया आपने, ऊपर वो चीज बैठी हुई है, नीचे इसके दो से तीन मुख्तलिफ जानवर बैठे हुए इसको देख रहे हैं, ना आवाज कर रहे हैं, ना बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, ना कुत्ता भौंक रहा है, और सब ऊपर देख रहे हैं, और वो एक दूसरे को भी कुछ नहीं कह रहे, कुत्ता बिल्ली को नहीं कुछ कह रहा। जब जब इंसान का दिमाग कंट्रोल कर रही है ये चीजें, तो ये तो इनका भी करती है, इनको भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल, इनके अंदर भी कोई खास मौजूद हो।
क्या पता वो ही उन्हीं के वजूद हो, अजीब ही हिसाब किताब। लेकिन यार हमारे लिए तो ये मदद ही रही ना, मदद ये था एक एक अन, एक समझ ले अनजानी मदद, एक गैबी मदद, गैबी मदद। हम बाखुदा पहली बार इस जगह पर रात में हम गए हैं, हमने इस जगह को पहली बार इन्वेस्टिगेट किया, हम इस जगह पर पहली बार आए, और इस कुत्ते से हमारी पहली मुलाकात। इससे पहले ना हम इसको जानते ना देखते ना कुछ यार। और ये था भी वो आम जो स्ट्रे डॉग कह लें, इसको जंगली कह लें, कुत्ता आवारा कुत्ता कह लें, पालतू भी नहीं था। नहीं, नहीं। कोई नस्ल होती है ना वो भी नहीं था। आपने नोट किया बग्गा तो फिर बुली डॉग कह लें ना उसको, बुली कुत्ता बुली डॉग। ये तो यार वाकई एक मदद ही थी बस, पता नहीं कुत्ता था भी नहीं था या कुछ और मखलूक थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपके गांव से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का यही है जी, हम बिल्कुल आपकी दुआओं से करम से सब जगह सब खैरियत है। आ गए थोड़े से रेस्ट पे थे भाई भी हम भी सब, एक प्रेशर था जिस्म पर भी जहन पर भी थोड़ा सा, थोड़े से रेस्ट पे कह लें आप। और टाइमिंग को लेके जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट हुई है नई टाइमिंग्स, बुध की रात आप 11 बजे शो देख सकेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और फौरन इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और SSDs अपलोड हो गई हैं, दोबारा से शुरू हो गई हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो समय में हमें जल्दी शेयर करना है आपसे, क्योंकि हम पर एक जिम्मेदारी भेजी है उन्होंने। और जैसे आप लोग नहीं निकल पाए ना इस स्टांस से बाहर कि क्या हो गया है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जानवरों को कि यार ये किसको देख रहे हैं और बोल क्यों नहीं रहे, भौंक क्यों नहीं रहे, शोर क्यों नहीं कर रहे, हमला क्यों नहीं कर रहे। अब ये जी चीज़ हमने बाकायदा रिकॉर्ड कर ली है, कैमरों में रिकॉर्ड कर ली है, प्रॉपर ना सही लेकिन वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि कोई है। Thank you.
अपने आप से ना बार बार ये कह रहा था कि यार कोई इंसान तो नहीं, एक ख्याल आता है ना इंसान को, एक एक 0.1% चांस। फिर मुझे जब मैं फुटेज देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यार एक से ज़ायद जानवर देख रहे हैं उस इंसान नुमा चीज़ को, अजीब सी मखलूक को, भौंक कोई नहीं रहा, बोल नहीं रहा कोई, ये कैसे? अगर एक इंसान को इतने करीब आके जानवर देख रहे हैं, इतने करीब आके, तो उस पर शोर क्यों नहीं कर रहे, शाउट क्यों नहीं कर रहे उसके ऊपर? आपने देखे अक्सर हमारे खासकर जो कचरा उठाने वाले भाई होते हैं, आप नोट करें दूर से आपको जानवरों के भौंकने की आवाज़ आ जाएगी, वो जो कचरा लेके जा रहे हो, असल में उस कचरे में बहुत सारी स्मेल्स होती हैं, तो जानवरों को जो अट्रैक्ट करती है, उनको लगता है दुश्मन है हमारे या कोई दूसरे जानवर हैं कचरे के अंदर जिसकी स्मेल आ रही होती है, उनको कितना भौंकते हैं उसके ऊपर। कोई नया आ जाए, अगर उसके करीब आ जाए जानवर, कितना भौंकते हैं। बग्गा ले लें आप, फुटेज में देख सकते हैं आप कि बग्गा जो है वो देख के भौंक रहा है, कोई अजीब सी चीज बैठी है ऊपर। चलो वो पालतू जानवर है उनका, ये नस्ली और शायद उसमें फर्क हो, वो भौंक रहा है एक मखलूक को देख। याद है ये तो बहुत खतरनाक अटैकिंग पोजीशन में था ये तो। यार इनकी आवाज ही नहीं निकल रही, इनकी क्या, उसके बाद एक बिल्ली आ जाती है, देख सकते हैं आप, वो भी नहीं बोल रही। कुत्ता और बिल्ली साथ साथ बैठे हुए हैं दोनों, कुत्ता बिल्ली पर हमला नहीं कर रहा ना उस पर भौंक रहा है। एक अजीब मंजर हमने ना सिर्फ देखा, रिकॉर्ड किया, जो कि ये तस्लीम नहीं करती अकल आपकी, कैसा कैसे हो सकता है यार। मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं चूहा बिल्ली कुत्ता, वो इतने करीब हैं। चलो अगर एक घर में पालतू है ना, कुत्ता भी है बिल्ली भी, समझ आती है बात, ये जंगल है और आवारा है, जंगली कह लें, ये वो मखलूक के इर्द गिर्द बढ़ते ही जा रहे थे। एक से दो कुत्ते हो गए थे, बिल्ली आ गई थी और दो बिल्लियां आ गई थी, ना कुत्ते भौंक रहे थे ना बिल्लियों की आवाजें निकल रही थी, कुत्तों की आंखें नहीं चमक रही, बिल्ली की आंखें चमक रही। जब जब हमने इसको देखा है जी, जहां जहां एक कुछ टाइम के लिए इसने घूमते हुए या मुंह घुमाते हुए रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास, कहीं यार इसकी एक बार आंखें चमकी। एक समय ऐसा था कि जैसे कि बिल्ली की आंखें चमक रही हैं, कुत्ते की भी चमक रही हैं, मतलब एकदम, मैं तो कुल 5 फुट के फासले से देख रहा था यार, इतनी लाइट पड़ने की आंखें बिल्कुल बेनूर थी इसकी। अब मैं आपको ना कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये गौर कीजिएगा। हुआ क्या है, जब हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है गलती से जब हमने अपनी गलती दी है, बस ये हो जाती है। हम कितने लोग कितनी जगहों से ये चीज़ सीख के आए हैं कि यार गाड़ी जो है ना वो जाने की पोजीशन में लगानी है। हमने जहाँ गाड़ी लगा दी है उसके ठीक ऊपर हम देखते हैं, बल्कि हमें कुत्ता दिखाता है ऊपर देख करके, कोई है, आवाज़ नहीं आती कुत्ते की, हम इसको देखते हैं और कुत्ता बाकायदा ऊपर जंप करने की कोशिश करता है। देखें ये देखा आपने, ये देखिएगा, ये देखो सर, कुत्ता दो मिला रहा है जैसे उसका पालतू है, दो मिलाने का इसी को कहते हैं जैसे कि उससे प्यार करता है या उससे वफादार है। हाँ, किसी भी चीज से ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, उसका अपना पलाव है, मतलब अजीब ही चीज है यार। वो आदिकाली, वो देखो ऊपर जाने की, अल्लाह हू अकबर, रिकॉर्ड हुआ है, ला ला सर, वो आदिकाली, वो देखो ऊपर जाने की, अल्लाह हू अकबर, रिकॉर्ड हुआ है, ला ला सर, वो आदिकाली, वो देखो ऊपर जाने की, अल्लाह हू अकबर, मतलब क्या चीज है यार ये। लेकिन चलो वफादार भी है, एक खुशी में भी तो हल्की सी बार्किंग की आवाज़ आती है ना। हाँ, हल्की सी कोई जानवर की आवाज़ तो आती है ना, हल्की सी भी। क्या पता सजाद उनको हुक्म मिला हो कि तुम बोलो ही मत, मतलब ये तो अजीब ही दुनिया की मामला है ना, ये कुत्ते को बहुत इतना सन्नाटा इतना था कि उन्होंने शायद जानवर के दिमाग में भी वो आवाज़ ही गुम कर दी उनकी। नहीं तो अगर कुत्ता नहीं भौंक रहा, हाँ, बिल्ली जो आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, कुत्ता
कुत्ता खड़ा हुआ है और मैं कुत्ते की आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी आंख नहीं चमक रही और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इसकी आंख चमक रही, ठीक। और ये दोनों इतने साथ खड़े हैं, तो क्या ये उसके ऐसे पालतू जानवर हैं जंगली जो कुत्ता होने के बावजूद बिल्ली पर नहीं भौंक रहा, और बिल्ली को कुत्ते से कोई खौफ नहीं है, वो इतने करीब आ गई है। मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ना, अगर हम वहाँ रुके रहते तो शायद उस पूरे जंगल के जितने जानवर होते ना वो सारे इधर जमा हो जाते और किसी की आवाज़ नहीं निकलती। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील होता, क्योंकि मेरे सामने चीज़ें बढ़ी थी। अभी तो आप प्रोग्राम में देखेंगे एक से ज़ायद कुत्ते यहाँ पर थे, भौंक नहीं रहे थे, एक से ज़ायद बिल्लियाँ यहाँ पर थी, वो आपने काला बिल्ला भी देखा है SSD के अंदर मैंने शेयर किया था, वो भी ये भी। अजीब फिनोमेना, अजीब मंजर ना सिर्फ हमने देखा बल्कि रिकॉर्ड भी किया। अच्छा, हमने कुछ कोशिश की है इसकी जो है ना चेहरे को नोट करने की, हमें एक से ज़ायद जगहों पर ये रिकॉर्ड हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये उस दरख्त के पीछे जो है ना, जब कुत्ता बैठ के देख रहा था उस जगह पर, तो वहाँ हमने देखा कि हमें कुछ ना सफ़ेद सा चेहरा रिकॉर्ड हुआ, सफ़ेद वाइट। फिर अगर हम दरख्त के पीछे जो है ना, जब कुत्ता बैठ के देख रहा था उस जगह पर, तो वहां हमने देखा कि हमें कुछ ना सफेद सा चेहरा रिकॉर्ड हुआ, सफेद वाइट। फिर अगर हम यहाँ पर भी हमने देखा ना, तो हमें ऐसे ही लगा जैसे कुछ वाइट सा है, मतलब वाजे नहीं है चेहरा, जैसे चेहरा हो ही ना। कहते हैं ना कि आपके जो ये कह लें नक्श आँखों, ये जो नए नक्श कह लें आप, ये नहीं हो, जैसे ना मुंह था ना नाक थी, ना जी आप सफेद चीज दिख रही, कुछ वाइट जैसे कुछ गैप हो यहाँ मुंह में, हड्डी दिख रही थी पूरे चेहरे की ना। अब मुझे ना वहाँ ये बात याद आई इस भाई की, सुनिएगा। जिस बंदे को देखते हैं तो उसमें ऐसे अजीब से हरकतें, खौफ सा आता है, उसको वही नजर आती होगी, उसको वही नजर आती। वो तो यही बात कह रहा है कि भाई मेरे को जब मैंने देखा सिर्फ हड्डियां ही उसके चेहरे पे थे। ये बयान है उस शख्स का जो यहाँ बेहोश हो गया था, जिसका ज़हनी तवाज़ुन अब नॉर्मल नहीं है। ये उसका बयान है कि मुझे बस ये याद है कि उसके चेहरे पे सिर्फ हड्डियां थी, काइंड ऑफ स्केलेटन। अब हमें जो वाइट और प्लेन चेहरा या कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो क्या ये सिर्फ हड्डियां, चेहरा स्केलेटन था, एक गैप था? ये हमारे पास एक वो ऐनी शाहिद का बयान था जिसने खुद देखा था इनको अपनी आंखों से तन्हा होने के बाद। अब ना जो भी इसी वो सबके सामने, 6-7 लोगों के सामने या हम 4 लोगों के सामने वो वाजे आ रही थी, उसको फिक्र ही नहीं, मतलब वो निडर बेफिक्र। आप अभी भी मुझे सेट नहीं लग रहे हो, अभी भी डाउन लग रहे हो, जिस बात लग रहा है आपका ना, वो चल के आ रहा है। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। तो अर्ज़ ये है कि ये तो हमने देखा कि वो इस काबिल तो होती हैं ये मखलूकात, ये सुना था कि वो जानदार चीज़ों पर ना असरअंदाज हो जाती हैं, जानवर वो करते हैं जो नॉर्मली करते हैं। आपको बग्गा की फुटेज हमने दिखाई, मैं आपको जर्मन शेफर्ड कुत्ते की भी फुटेज दिखा रहा हूँ। खड्डा मार्केट पर जर्मन शेफर्ड लोग रखते हैं, बड़ा बहादुर दलेर कुत्ता, रखवाली के लिए एक हैबत, एक खौफ, जान देने वाला। वो नहीं आया था ऊपर, ये फुटेज में आप देख रहे हैं, रो रहा था वो, ऊपर छत पे नहीं आया था। उसकी आवाज़ें, रोने की आवाज़ें मैंने सुनी है, रिकॉर्ड की है, खुद देखी है। मालिक साहब खींच रहे थे, मालिक उसको ऊपर लेके आ रहा है, मतलब वो फोबिया नहीं था उसको, पीछे ऊँचाई से पहाड़ों पर ले जाए चला जाएगा, उस घर के ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने खुद रिकॉर्ड किया, खड्डा मार्केट के बंगले में। ये सजा भी कितनी पुरानी बात है, ये 6 साल पुरानी बात है, उसको रिकॉर्ड हुई थी हमारे सामने। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मखलूकात, ये चीज़ें सुनी थी हमने,
अब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि यार हम तो बड़ी भौंकने की आवाजें सुनते हैं जब हम हॉन्टेड लोकेशंस पर जाते हैं। कितने जानवर भौंक रहे होते हैं, ये इनको देख के भौंक रहे होते हैं। मुझे लगता है एक फासले से तो भौंकते हैं ये, लेकिन जहां फासला कम होता है ना उस मखलूक का और इनका, शायद इनकी आवाज बंद हो जाती है। वो जानवर वाकई भौंकते हैं, ये तो कुछ और जानवर है, ये वो जानवर नहीं है। आंखें नहीं चमक रही, ये वो जानवर नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दरबार लग रहा है, बैठक लग रही है। लेकिन वो हमारी मदद क्यों कर रहा था, हमें हर जगह आके उसने चार जगह हमें बताया, और यकीन जानिए चारों डायरेक्शंस में, कह लें आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों डायरेक्शंस में उसने हमें दिखाया उस मखलूक को। अच्छा एक बात याद आई सजाद, ये चीज़ अगर एफर्ट्स हो, ये इसके अलावा कोई और चीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद है और कुत्ता अगर पॉइंट आउट नहीं करता, वो तो हमें दिख रहा था, हमें ये चीज़ दिख सकती थी, नहीं दिख सकती थी ना, हमें क्या पता किस अपोजिट डायरेक्शन में क्या चीज़ है, हम कैसे स्वीकार करते। तो बहुत सी जगहों पर ऐसी चीज़ें जाहिर होती होंगी जहाँ पे हम जानवरों की वजह से, ऑब्वियसली यहाँ तो एक खुला जंगल था, चार दीवारी थी नहीं, चलो जानवर अंदर थे, अक्सर जगहों पर तो जानवर अंदर नहीं होते हैं ना, जहाँ हमने लकीली रिकॉर्ड भी कर लिया कई बार चीज़ों को, ऑब्वियसली वो तो बात ठीक है। ये चीज़ सामने है आपके, मतलब मैं आपको दिखा के बात कर रहा हूँ आपसे। अब होता क्या है कि इस चीज़ को सुनना एक अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, वो एक अलग बात है। पाँव साथ नहीं देते, पाँव आपका साथ नहीं देते, आप कहते हो बस निकल जाए यहाँ से, गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, गाड़ी सामने मौजूद है, मैं और कामरान भाई क्या कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं उस तरफ, आप और सुनील भाई क्या कर रहे हैं, उस तरफ निकल रहे हैं, गाड़ी सामने, क्यों, गाड़ी के ठीक ऊपर ये चीज है, आप नोट करें है कहां पे, गाड़ी के ठीक ऊपर, कुत्ता सामने है, ये रहा, बिल्ली यहां पर थी। अब क्या होता है, दो इधर चले जाते हैं, दो इधर चले जाते हैं, हम कुत्ते तक तो हमें बात ठीक समझ आती है, लेकिन जहां बात आती है ना उस कुत्ते के साथ इस बिल्ली की भी, ये अक्ल तस्लीम नहीं करती इस बात को। यार ये क्या हो रहा है, ये जानवर ऐसा नहीं करते जो ये कर रहे हैं, ये कौन से जानवर हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, हमने बचपन से लेकर आज तक जो देखा जो जाना वो एक अलग चीज़ और ये सामने एक अलग चीज़। कई लोगों के मैसेजेस आए हैं, एक भाई बता रहे थे कि भाई मेरे गांव में ये हुआ कि मैं वॉशरूम में गया हूँ, मुझे अपने कुत्ते भौंक रहे थे, मेरे दो पालतू कुत्ते, मैं वॉशरूम में गया हूँ तो मुझे बाकायदा छत पर ऐसे वजन महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज़ आई है, चार कदम लिया उसने, मैं वेपन मेरा अंदर था, मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया कि कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई चोर डाकू आ गया छत पर, पड़ोस में से चाचा ताया वगैरह सब आ गए, गले वाले सब ने लोड कर ली, अभी बाहर हैं, इनको कोई नज़र ना आए कुत्ते भौंक रहे हैं ऊपर देख कर, और उसने वहां से खुद सुनी छत पर कुछ चल रहा है। जी जी उसने वॉशरूम के अंदर था, कहता है भाई जैसे गांव की छतें तो इतनी मजबूत नहीं होती ना, आपको चरचराहट की आवाज आ जाती है, वजन पता चलता है, आपको कोई है मट्टी छलकती है ऊपर से, कहते मेरे चाचा ताया मैं सब देख रहे हैं भाई, मेरे दोनों पालतू कुत्ते ऊपर देख के भौंक रहे हैं, और ऐसे भौंक रहे हैं जैसे कोई है और क्या हमला जंपे मार रहे हैं ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा। ये अभी कल परसों भाई ने मैसेज किया। इसी तरह जी हमने देखा है जानवरों को कई बार ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते हुए जो नॉर्मली वो करते नहीं है आपके सामने, ये आपके सामने, आप ऐसे मंजर को देख कर ना पाँव साथ नहीं देते। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि चिराज भाई आप खुद ही बताओ आगे इससे क्या, जो क्योंकि जिस पर गुजरती है ना वो ही बेहतर बता सकते हैं, और तो बेहतर है आप खुद बताओ। चिराग भाई, चिराग भाई, अरे सुहेल भाई, सुहेल भाई, चिराग 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 भाई, आगे जगह ले आओ, चिराग भाई, एक सेकंड, चिराग भाई, हमारी बात सुने।
प्यार बहुत मोहब्बत मिला आप लोगों से। मैं कई लोगों को जवाब दे चुका हूँ आपकी खैरियत को लेके, कई लोग फिक्रमंद, कई लोगों की मोहब्बत आपसे बहुत फिक्र, बहुत लोगों ने दुआएं की, सब जानना चाह रहे थे शिराज़ के। वो तो हमने जो देखा जो रिकॉर्ड किया वो तो आपके सामने है, तो कुछ बातें प्रोग्राम में थी, कुछ बातें SSD में थी। मैं चाहूँगा आप ये बताओ कि एक टाइम तक तो आप साथ थे सोहेल भाई के, मैं कामरान भाई के पास, तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं गाड़ी लेके आप लोगों के पास आ जाता हूँ, रास्ता जाने का वही था। उतने में सोहेल भाई पीछे घूमते हैं तो आप नहीं होते वहाँ, हालांकि कुछ लम्हे पहले आप वहाँ थे, तो हुआ क्या था इसको देखने के बाद? यार ये जो चीज़ फिनोमेना चल रहा था ना, तो ये तो इतने अरसे से रिकॉर्ड करके लेके आ रहे होते थे, हम इसी रूम में या वहाँ ऑफिस रूम में देख रहे होते थे। अब एक फिनोमेना मुसलसल में देख रहा था कि कुत्ता चल रहा है, उसकी आँखें नहीं चमक रही, और एक मतलब एक अजीब, वो जहाँ देख रहा है वहाँ कुछ ऐसी मखलूक दिख रही है या एक ऐसी चीज़ दिख रही है जिसका सर आँखें नहीं है और चेहरा नहीं है, ऊपर से सिया है वो, और वो है भी इतने फासले पर, उसका इम्पैक्ट आ रहा, फिर जंगल का एक असर आ रहा था, और फिर ये बिल्ली आई, फिर एक बिल्ला भी आया, वो इतना सिया था, इन्होंने बोला क्या मुझे सफेद थी, इन्होंने बोला क्या आप जिन्हों, मैंने लिटरली अपनी आँखों से देखा, उसने दोनों आँखें ब्लिंक की और इतनी पोलाइटली ब्लिंक की कि हम मतलब हम वो फिनोमेना देख, मतलब मैं तो चुप हो गया था उस वक्त, बहुत दफा मैं खामोश रहा यार ये, और हमसे डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, जा नहीं रहा यहाँ से। ये देखें ये पूरा फेज ही नहीं ला रहा आगे। कौन हो? छुप गया। जिन हो? चलो जिन हो? चलो। अच्छा एक सर्दी का यह कालम और जंगल की खौफनाक है, बाकी जानवर देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं यार। वाजे तौर पे देख रहे हो, हमारे से इतने कम फिट के फासले पे सब कुछ हो रहा है। ये मुझे लगा वो फिनोमेना देखे कि वो रोड, मुझे लगा कि सजाद पत्नी की जगह लिया है, ये नहीं जा रहा। अच्छा कुछ बातें ना दिमाग में इजी आ रही थी कि रुक तो बड़ा करीब है, मैं खुद चला जाता हूँ लिफ्ट लेके, इस इलाके से निकल जाता हूँ वक्ती तौर पे ना, जान तो बचाऊँ, फिर मिलते रहेंगे, फिर क्या है उस, ये बस दिमाग में आएंगे रूट तो करीब है, फिर मेरे पैर चल पड़े। और वो जो ये चीज़ देखी उसके बाद जो हैबत तारी हुई ना, तो मैंने दौड़ लगाई बफर सुहैल भाई के, मैंने इतना तेज आपको भागते हुए चिराग भाई, अरे शराब भाई, सुहैल भाई इधर ही भाग रहे हैं, सजा भाई, शराब भाई, शराब भाई, शराब भाई, शराब भाई, वो कह रहे हैं आगे जगह ले आए हो, मैं बहुत तेज बहुत दूर चला गया, मुझे नहीं अंदाजा रहा। अच्छा जब सुहैल भाई, जब उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के रोक लिया कि नहीं शराब कहाँ जा रहा हूँ, मैं रुक गया, तो जो लाइट घूमी एक दफ़ा घूमी दूसरी दफ़ा घूमी तो वो आँखों में पड़ी, पहली भगवान सुहैल भाई की वो एक दफ़ा घूमे, मुझे लगा वो चार दफ़ा घूमे, जो मेरा दिमाग वेट कर रहा है ना वो मेरी आँखों में गई है, एक दफ़ा दो दफ़ा फिर वो आँखें बंद हुई, और जिससे ना चुनिया आ जाती है ना आँखें चंद चंद सेकंड के लिए, मैं ग्लासेस भी पहनता था, मेरी आँखें चुनिया आ गई हैं, और फिर जब मुझे होश आया है ना, मतलब जो फिर मुझे झटका लगा, मुझे एक यहाँ एक कंधे में झटका लगा, एक यहाँ फूक आई है, एक सुरसराहट और एक सुरसराहट यहाँ आई है, फिर मेरी आँखें खुली है, तो मुझे लगा कि जैसे ना जिसम में ऐसे ना एनर्जी जा रही होती है ना, जैसे कि आपको एक तरीके से ताकत बह रही है आपकी ना, मुझे मैंने जब आवाज़ बोलने की कोशिश की ना, तो मुझे लगा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ तो डेट बोल लो, तो मैंने सोचा से कि मैं बोलना चाह रहा, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे अल्फाज निकल नहीं पा रहे थे अलग से, तो मैंने सोचा से बोला सजा मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, तो उसने कहा कि हम यहाँ कैसे है, मुझे नहीं अंदाजा कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा, उस वन चंद सेकंड में क्या हुआ, मैं कहाँ मौजूद था, किस तरफ जा रहा था, कैसे मैंने टीले क्रॉस किए, मोबाइल में रखा टीले क्रॉस किए, हम नहीं गए थे जहाँ चारों मिलकर वहाँ अकेले जा रहे थे, और वहाँ भी जब हमने देखा तो मैंने देखा कि उस शेड के पीछे मुझे दोबारा लाल सी चीज़ नज़र आई थी, तो वो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी दीवार के पीछे, जिसके पास से जा रहे थे और बहुत ही करीब जा रहे थे उसके पहुँच रहे थे। यार होता यही है कि ये ना एक जाल कहते हैं ट्रैप, जैसे हमारी गाड़ी, हमें यहाँ पर पहले खुद को जाहिर किया गया बहुत दूर से, माने कि हमारा इरादा ये था कि गाड़ी वहाँ खड़ी करके पैदल आना है और उतरना ही नहीं है गाड़ी से पहले, तो जब हमने यहाँ देखा ना उतरते, हमने अजीब मंजर का दरख्त देखा यहाँ पर, जो लोगों ने कहा है मैंने ऐसा दरख्त नहीं देखा कभी, हमने आधा इमली का दरख्त खुश्क देखा, आधा सरसब्ज देखा इसी जगह। सबसे बड़ी बात इमली के दरख्त देखे,
बादाम जो वो गिरा था ना वो भी अनलॉजिकल ही था उसी टाइम पर, टाइमिंग पे गिरा, क्योंकि वो हमें उस वक्त शायद की चीज ऊपर हो सकती थी हमारे ना, वो अनलॉजिकल चीज थी। अच्छा कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जो के ये जो चीजें चली हैं तो कुछ सिलसिला ऐसा है कि ये मेरे साथ जो बचपन में हादसे हो चुके हैं तो ये दुनिया मेरे सामने वक्त से पहले खुल चुकी है तो ये अट्रैक्ट होती हैं, मैं दुनिया में देख भी चुका हूँ, महसूस भी कर चुका हूँ, मैंने बताया भी कि मैं बेजी वाले पैर में भी रहा हूँ। कुछ आप पढ़ना भूल गए थे आपने उस वक्त क्या हो रहा था कि वो सर्दी के एक बस्ता आलम में ना जो मुझे लगा था कि मैं हम जब भी जा रहे थे मुसलसल जैसे कि हम कुछ जैसे ये बोल रहे तो मैं पढ़ाई कर रहा होता था ना, ये सुहेल भाई बोल रहे तो मैं दिल दिल में पढ़ रहा हूँ तो उधर मुझे लगा मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने वो लोग मिले उसके बाद से शायद मुझे पढ़ाई मैंने नहीं की वरना हम मुसलसल कुछ पढ़ते रह रहे थे तो वो ये चीज़ मेरी जो वहाँ जो मुझे गलती लगी थी कि पढ़ाई नहीं की यही है मुझे लगा कि तसलसल टूटा मतलब कम हुई है बहुत कम हुई है वो अंग्रेजी चीज़ बड़ा मशहूर जुमला है डिवाइड एंड रूल ना। हाँ तो ये सिर्फ यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, हर जगह दुनिया में यही है, जब तक आप साथ हैं आपको तोड़ना मुश्किल होता है आसान में, लेकिन जहाँ आपको अलग कर दिया जाए ना तो ये बारी बारी फिर ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है, याद है लाहौर में हर टीम मेंबर के साथ अलग अलग कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ये कर्म रहा है कि था है रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अच्छा सजाद एक चीज़ में एक मिस्टेक मैं बताता हूँ जो नीचे लगी जिस पर मैं सुकून से था प्रोग्राम में मैंने बोली भी थी, उन्होंने बोला था कि जो वो एक को करती है जिसकी आवाज़ सुनता है ना उसको अटैक करती है, मुझे उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सच्ची बात है, तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड था कि सजाद सुन रहा है तो मुझे नहीं दिलचस्पी थी क्योंकि उससे मैंने यार मुझे नहीं आ रही तो मैं शिकार नहीं बन सकता यार। आवाज़ मैंने सुनी थी। हाँ यू एक प्रोग्राम में वो उस वक्त हम भी वहाँ उस माहौल में मौजूद थे तो मैं दिल से बड़ा मजबूत था कि मुझे क्या होना है, मतलब मैं एक अजीब उसमें बहुत खुदमादी में था कि मैं तो आता नहीं हूँ लोकेशन पे, मुझे लगा था मैं तो लोकेशन पे आता ही नहीं हूँ, मुझे तो इतना फिक्र ही नहीं है, अभी मैं कुछ देर बाद फिर घर चला जाऊँगा। आप ना इनको जज नहीं कर सकते 100%। मैं आपको बताऊँ बहुत हॉन्टेड लोकेशन है, एक्सट्रीम हॉन्टेड लोकेशन, ऐसी मेरी उंगलियों पे याद है मुझे में अभी भी चौकपी हो रही है, एक्सट्रीम हॉन्टेड लोकेशन है। हाँ मैं दोबारा वहाँ जाऊँ ना हो सकता है कुछ ना हो सकता है आज जो हुआ है वो कल ना हो। हाँ ये सर है ऐसा है, और ये हर चीज़ हर किसी के सामने एक्टिवेट भी नहीं होती है, हो सकता है रात 10 बजे ना हो 12 बजे हो, 12 बजे ना हो 1 बजे हो सकता है अगला कहता है जिसको आवाज़ आती है ना वही शिकार बनता है, ये ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, आवाज़ मुझे आई थी मैंने सुनी थी बड़ी सुरीली आवाज़ लेकिन अटैक किस पर हुआ तो बात यह कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम। ऐसी ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर हमें कहा गया जाओगे जिंदा वापस नहीं आओगे, और यकीन करें वहाँ हम गए हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कई ऐसे बंडल्स पड़े हुए एपिसोड्स के जो हमने एयर नहीं किए कि यार इसमें क्या दिखाए हम, सुन के तो ये गए थे हुआ कुछ, कई बंडल्स हैं यार। मेरे बॉसेस से मेरी फाइट होती थी, बॉसेस कहते सर जान तुम ये क्यों एयर करोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, बॉस हम गए इतना सफर किया बजट लगाया तो यार लोग ये थोड़ी देखना चाहते, कुछ मिले कुछ पता चले फाइंडिंग वो शेयर करो। अब सखर हवेली, शमशान घाट, कुमारी, नूरानी, बिगफुट, दखमा, जमीला स्टेशन, इतने ऐसे हैं लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि आप अभी जाओ और वो चीज़ सामने आ जाए, मैं खुद जाऊँ मुझे नहीं पता वो आएंगे नहीं आएंगे। एक कोशिश है, प्रैक्टिस है, आ जाए ठीक है, नहीं है फोर्स नहीं कर सकते आप। सच्चा तो जिसम की खुशबू होती है एक एक ये चीज़ें भी ना जिसको मतलब ये भी चीज़ें ना सुनती हैं, एक 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 ताकत है मतलब कि कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको कैसे फिनोमेना बताऊँ क्योंकि अल्लाह ताला ने जब से ये चीज़ें एक हुई है तो मुझे मैं इस चीज़ को बड़े करीब से मैंने चीज़ों को देखा है महसूस किया है। मैं बड़ी काम की बात बताने वाला हूँ कि उसके बाद हुआ क्या मेरे साथ, अब हो क्या रहा है। एक भाई ने इसमें बोल रहा था कि जो यहाँ से चाहता है वो उसी को देखता है, जिस बंदे को देखता है तो उसमें ऐसे अजीब से हरकतें खौफ सा आता है, उसको वही नजर आती है, उसको वही नजर आती है। वो तो यही बात कह रहा है कि भाई मेरे को जब मैंने देखा सिर्फ हड्डियां ही उसके चेहरे पे, ये बात बोली इसने प्रोग्राम में ना। मैं आपको बताता हूँ जिस दिन से मैं आया हूँ ना तो मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ पहले तो सजाद ने मुझे वहीं पे खाना जगह खाना खिलाया रुकाया, बहुत देर हमने नॉर्मल किया ताकि घर पे आके असर ना पड़े किसी को कुछ ना पता चले। जब मैं घर में घुसा हूँ तो बच्चों की आवाज़ सुनते तो मुझे थोड़ी चमक हुई, बच्चों की एक लहलाहट मैंने सुनी रात में, बच्चे जाग रहे थे। जब मैं घर में आया हूँ तो मुझे थोड़ी भूख लगी, मैंने मांगा है तो मुझे लगा कि मैं
जानवर की तरह खींच रहा हूँ, हालांकि मैं नॉर्मल खा रहा था। मैंने अपनी मिसेज से कंफर्म किया कि मैं कैसे खाना खा रहा था, तो मेरे दिमाग में चला जैसे गोश्त नहीं खींचते ऐसे खींच रहे। मैंने कहा ये इल्यूजन हुआ मेरे दिमाग में, मैंने कहा मैं कैसे खा रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप नॉर्मल खा रहे। फिर मैं सो गया। उस रात से मेरे मुझे नाइट मेयर्स आ गए। अब नाइट मेयर्स कैसे आ रहे, अपना जिन जिन जगहों पर मैं बचपन में गया हूँ ना, मतलब इससे पहले सिलसिला नहीं था, जिन जिन जगहों पर हाउंटेड जगहों पर, मतलब जब हमारे एक ही जगह स्कूल था कुछ था जो वाकई मैं बताता हूँ, उन जगहों पर मैं दोबारा मौजूद हूँ, मतलब उस बेरी के पेड़ पे बेरी वाले घर में मौजूद हूँ। और ये चीज़ तो नहीं कह सकता लेकिन कोई चीज़ वहाँ है मौजूद। तकरीबन अब तक के 4-5 रियल ख्वाब आ चुके हैं मेरे ना, मतलब इस सिचुएशन में इतना इम्पैक्ट है मेरे पे। और ये कि उसके इम्पैक्ट के बाद मैंने सबसे पहले तो नमाज पढ़ी। मैं उठ के आया तो मेरी मिसेज ने कहा ना, मैंने कहा नहीं ये कुछ एबनॉर्मलिटी में हो रही है। मैंने अच्छा उनको भी नहीं बताया ये बात, अभी तक इतनी खुली भी नहीं थी कि बच्चे घर में परेशान हो गए। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो फिर मैं मुतमईन हो गया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह ये खुद ब खुद ही क्या पता वहाँ का असर वक्त के हिसाब से वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तमाम ये चीज़ें मेरे सामने इतनी ज़ाहिर हुई हैं कि मैं घर की दहलीज पर कभी मगर के बाद घर में दाखिल नहीं होता था। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने मेरे कान में बोला कि तमाम मखलूकात अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह ताला के हुक्म से ये जब तक उसका हुक्म नहीं होगा तो कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते आपके, आपके साथ अल्लाह है तो आप कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इनसे ने बात याद आ गई, मैं ना अरे मैट्रिक किया था, GTO 125 थी मेरे पास ना। अरे वाह याद है यार, कावसा की मैंने उस पर चलाना सीखी है। तो ना मुझसे क्या हुआ, उसके आगे शील्ड वेल्ट लगे होते थे ब्लैक कलर के 92 मॉडल ना, तो वो मुझसे गिर गई ना। मैं घर आया थोड़ा डरा हुआ ना, अरे सब मैं कर रहा हूँ बाइक चलाना, उसे मुझे देखा। अब मेरा ये था कि ये शायद डांटेंगे बाइक नहीं देना उसको आज के बाद ये वो बोले। मुझे देखा कुछ दिन बाद, मुझे कहा अच्छा जा दोबारा और वो ले आ जाते, ये उनके अल्फाज थे। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आई, मैंने कहा यार ना मुझे डांटा ना मारा ना मुझकी सख्ती की ना कुछ वो किया। तो इसी तरह कल फिर हमने जाना है शूट पर। कल डिसाइड करेंगे, कल डिसाइड करेंगे। मैं कहता हूँ ना सर, बात जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जाना। मैंने देखा है यार और फरमाया भी है कि जब आप पर ऐसा असर कह लें हाजिर कह लें आपके, उसके बाद ना जिसम में जान नहीं रहती, एक कदम सुनी स्टेप में उठाया जाता, बोलने के लिए बॉडी आपका रिफ्यूज कर रही होती है आपसे ना, एनर्जी आपकी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना जैसे इंसान शदीद बुखार में नहीं होता, जैसे 104-3 बुखार हो आपके पर जो हालत होती है आपकी, उसको वो वाली कैफियत होती है। अल्लाह पाक महफूज रखें। बाकी यहाँ पर हमें मेरे ख्याल से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, जब हमने अपनी गाड़ी को लगा कर उस कुत्ते को देख कर वहाँ देख लिया था ना उस मखलूक को सामने, हमें तभी निकल जाना चाहिए था। लेकिन आप समझें कि हमें उसने मौका ही नहीं दिया, हुआ क्या हमारे साथ, हम आए दादा हमने गाड़ी लगाई है और उसके बाद हुआ क्या है आपके सामने है? एक के बाद एक जैसे कहते हैं ना कि वो हम फंस गए थे उसके जाल में। जगह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, फिर हर जगह की नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे आपको पता पैरामेंट्स हैं और बहुत सी जगह हैं। एक और आपको ख़ास बात बताऊं या रास्त बात बताऊं, जब ये प्रोग्राम बना था ना तो मैं पायलट्स बना के ना डिस्ट्रीब्यूट करता था, लोगों के पास जाता था, फिर मैं हायर करता था मतलब लोगों को ना, तो जिस लड़के के पास जाता था वो दूसरी तीसरी इक्विपमेंट में कहता था हमसे जो जो चाहे काम करा लें ये ना करा, तो मैं नेक्स्ट लड़के को इसकी करता था कि चले अब हम दूसरे कर रहा होता था मैं, हम वेट कर रहे होता था मैं, फिर मैं किसी और को देता था। आप यकीन करें 7 लोगों ने रिफ्यूज़ किया, 10 लड़के मेरे पास थे। एडिटर्स की बात कर रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन्स नहीं है जी, मैं एडिटर्स की बात कर रहा हूं, ड्राइवर्स भी नहीं है। हां जी, तो उन्होंने देने के बाद पीक अच्छा इस अभी ये किया था, मैं हटता तो फिर मेरे पास ही आया कि तुम करोगे इसको करेगे, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं था, मैं टीम लीडर था, मैं मना नहीं कर सकता था। तो 7-8 लड़के तो वो कहते थे कि हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब हम इस प्रोग्राम को एडिट करते हैं ना तो कुछ मामला मतलब हम समझ नहीं पाते, हम बता नहीं सकते। या अच्छा उस वक्त मैं समझता था कि शायद काम ना करने के बहाने कुछ हैं। तो आप यकीन करें मैं इस आग के अंगारे को 14 साल से लेके चल रहा हूँ माशाल्लाह से, और लोकेशन भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर रहा हूँ या कुछ परेशानी है, वक्त ही चीज़ की इम्पैक्ट होती है, क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये भी एक नॉलेज का हिस्सा है। अगर आज हम
अगर ये कोशिश नहीं करते जाने की, और मैं कोशिश नहीं करता करने की, हमारे बॉसेस इस कोशिश नहीं करते इसको पेश करने की, तो कितनी बड़ी मालूमात आपके सामने नहीं आ पाती। हम खुद भी जान पाते बहुत कुछ, जो ये सब नोट करें ना, मतलब जो हमारे इल्म का हिस्सा था वो इतना नहीं था ना, जो हमने खुद फाइंडिंग ये आपके सामने है, मतलब ये फुटेजेस, ये तस्वीर, ये वीडियोस जो दुनिया से भेजी जाती है हमें, वो आपके सामने है कि हम खुद हैरान है इस पर। और मैं जैसे हमेशा कहा है, ये हमसे करवाया जा रहा है, करना तो दूर की बात, सोच नहीं सकते थे, ये सब आपके सामने है। और जैसे उन्होंने एडिटर्स का नाम लिया, तो कई पुराने देखने वाले जो हैं उनको याद होंगे, एहसन चंगेजी हमारे कैमरा मैन, आसिफ समद कैमरा मैन, आसिफ खान, उन्होंने भी यही कहा था चंगेजी ने, मुझे याद है कि जब वो आए थे मैंने उनसे खुद पूछा था चंगेजी भाई क्या हुआ, कहने लगा कोई चीज़ मेरे जिसम से गई और दिल तक पहुँच गई, ऐसा लगा दिल दबाया है किसी ने। गाड़ी चलाने वाले भाइयों में समीम भाई, बगजमीन भाई, मामा समी के साथ कई वैसे लोग जो है ना, जो पहले हिस्सा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर टीम मेम्बर का इसमें जो है ना इनपुट है, साथ है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा समझ लें कह लें एशिया का शो बना जो आज तक जारी है, सारी एक्सप्रेस पहला शो, वाहिद शो है जो आज तक जारी हो सकता है। और अल्लाह पाक चलाए रखे, मोहब्बतें बरकरार रखे, ये जो करवाया जा रहा है उम्मीद करवाते रहे। बाकी ये शुक्र है जी, कहीं जाकर उस मखलूक को बुलाना जो है ना, ये आसान नहीं होता, ना करना चाहिए ऐसा, कभी हमने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, पता किसको नहीं है क्या ये पढ़ लो ये कर लो, वो हाजिर हो जाएंगे ये हो जाएंगे, नहीं करना ऐसा, सर हाजिर तो कर लेते हैं, वापस नहीं भेज सकते उनको जाना, कुछ नहीं। कुछ बातें तो मैं आपको कैमरे पे बोल भी नहीं सकता, किसी ने मुझे बताई थी वो बातें, बड़े खतरनाक अल्फाज अगर वो आप अदा कर देंगे ना, तो वो चीज़ें आपके घर में दाखिल हो जाएंगी। ओ, हमने शेयर नहीं किया, हाँ बाकायदा वो 40 दिन इतने दिन बैठे, कहाँ बैठे, क्या क्या किया, वो फिर उनका क्या हाल हुआ हमारे सामने, तो एक स्टूडेंट की तरह, एक रिसर्चर की तरह जितना जान सकते हैं वो कोशिश करती है लिमिट में रह के, खुदाना खास्ता बड़ा एहतियात किया जाता है निकलते हुए घर से, सही पाक साफ रहते हैं। सबसे बड़ी दिल को तसल्ली ये थी कि हम पाक साफ मौजूद हैं, और दिल से भी पाक हैं, नज़रों से भी पाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा एक चीज़ और, मैं आप सबका इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, यकीन करें मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप लोग इतनी मोहब्बत करेंगे। मैं कल परसों से निकलना शुरू हुआ हूँ, ये बच्चों ने मुझे कहा कि हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, हम स्कूल जाके क्या किससे सुनाएंगे, तो मैंने कल परसों जो जो लोग मुझे मिले उन्होंने बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से पेश आया, आप लोगों के मैसेजेस दुआएँ पढ़ी, बहुत हौसला बढ़ा और इंशाल्लाह हौसला है। और इनको कोई ये ना समझे कि मैं किसी के कहने पर गया, इनको मैंने ही कहा हुआ कि ऐसी लोकेशन निकालें जो देखने में मज़ा आए, जन जाने में मज़ा आए, तो वो कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना किसी की कोई परेशानी है, और जिन्होंने मना भी किया है वो उनकी अपनी बहुत बड़ा डांट है, बहुत प्यार है, मुझे बड़ा बस मुझे ऐसा लगा कि सब मेरे अपने, मतलब जैसे होते ना बहन भाई अबू यार ये ना करें वो ना करें ऐसा कर लें, बहुत दिल को अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। जारी रखने का मकसद ही शो रहा कि हम 2008 में क्विट कर गए थे, सही हमारे बॉसेस तक नहीं करना सके हवेली के बाद, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 1.5 महीने तक कोई काम नहीं किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, फिर ऑनर्स आ गए थे, लखानी साहब के बेटे आ गए थे, तो उसमें जो मेल्स थी उसमें ये लिखा था कि हमारी फैमिली बड़े शौक से देखती है, बड़ी दुआएं और बड़ा कुछ समझ आता है, नज़र आता है, महसूस होता है, तब से ना एक जैसे मैं कभी आपको फ़ैन नहीं कहता या कभी व्यूअर नहीं कहता, हमेशा फैमिली लेता हूँ, SSB वो क्या की फैमिली, तो इसीलिए बस ये हो रहा है यार, ये करवाया जा रहा है, देखें आगे क्या क्या होता है, तो ये सब आपके सामने है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और करते और दिल की बातें तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जरा वक्त की कमी है, फिर से इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी और अच्छी जगहों पे, इंशाल्लाह फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह।